इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान जाना चाहिए, वहाँ पे मैचेस होने चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया आना चाहिए, यहाँ पे वर्ल्ड कप होना चाहिए। गाइस इट्स क्रिस्लीन, वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइस कितना मजा आएगा अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच हो और इंडिया पाकिस्तान में जाके खेले, पाकिस्तान इंडिया में जाके खेले। इस बार वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने वाला है, सो वी आर रियली होपिंग दैट पाकिस्तान वुड कम इन एंड वो भी आके खेलेंगे। सो दिस वीडियो इज अबाउट शाहिद अफरीदी, जो कि उन्होंने मीडिया को बोला कि इंडिया को पाकिस्तान आके खेलना चाहिए, एंड ही सेड सर्टन अदर थिंग्स एज वेल। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो, डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक एंड द ओरिजिनल चैनल। ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स, अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। लेट्स गो। उनको मौका देते हैं, वो चाहते यही हैं कि इनकी आपस में क्रिकेट ना हो, तो जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ, जो इस चीज़ को मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मैंने क्रिकेट अपनी दो मुल्कों में सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया में। इंडिया में जो मुझे प्यार मिला है वो मैंने कभी, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडिया में हमारा दिल चाहता है खेलने को, वहाँ के लोग हमें खेलते हुए देखना चाहते हैं, यहाँ पर भी क्राउड में इंडियन प्लेयर्स बहुत हैं, लोग आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, मिलते हैं। ये एक क्रिकेट एक सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी है, मैं कहता हूँ सबसे ज़बरदस्त, क्रिकेट नहीं एनी स्पोर्ट्स बेस्ट डिप्लोमेसी है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी हमेशा से दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया, बिकॉज वी आर नेबर्स, तो नेबर्स के आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। शायद आपने बोला कि रिलेशन बनने चाहिए, कॉन्टैक्ट बनना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन फिर जब बात आती है, शायद आप ही हों कुछ भी हों, कि जब पीएम के बारे में बोला जाता है, इंडिया के पीएम के बारे में, कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है, फिर कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया आकर खेलें? तो उन सब चीज़ों से भी तो फिर बचा जा सकता है। मेरी एक सेम चीज़ है, अगर दुनिया में कहीं जालिम आदमी होगा और कहीं मजलूम जिसके ऊपर जुल्म होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से उसका रिलेशनशिप हो, मैं हमेशा बात करूँगा। नो डाउट, मैंने कश्मीर के हवाले से, लोगों के हवाले से बिल्कुल बात की है। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी होगा ना, वो पाकिस्तान में होगा या इंडिया या दुनिया के किसी कोने में होगा, जालिम जालिम ही होता है, मजलूम मजलूम ही होता है। ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोग भी इंसान हो, इंसानियत से ज़बरदस्त खूबसूरत रिलीजन कोई नहीं है मेरे नज़दीक, और इवन कि आप लोगों के नज़दीक भी यही होगा। तो देखें, गलत चीज़ गलत होती है, ठीक चीज़ ठीक होती है, लेकिन हमें एटलीस्ट हकीकत से पर्दा नहीं वो करना चाहिए। मैं अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, दोबारा कह रहा हूँ, कोई भी रिलीजन हो, जुल्म जुल्म होता है। शायद भाई, क्योंकि आपने बोला कि प्यार को बढ़ाओ, नफ़रत ना बढ़ाओ, डिप्लोमेसी की भी आपने बात करी, बट ये जब बयान आते हैं आपके मुल्क से हो, या फिर जैसे कि अगर एशिया कप हमारे यहाँ नहीं होता है तो वर्ल्ड कप के लिए हम नहीं जाएंगे, तो फिर चीज़ें इम्प्रूव कैसे होंगी? तो देखें, एशिया कप का कौन मना कर रहा है? इंडिया मना कर रहा है ना एशिया कप का, शायद हम तो इंडिया में भी एशिया कप हुआ नहीं एक अरसे से। आप इंडिया की टीम को भेजे तो सही, उनको सर आंखों पे रखेंगे हम लोग, बट शायद और इससे पहले पास्ट में हुआ है। हमें अगर इंडिया की तरफ से, वो नाम नहीं लूंगा उनसे आपका बॉम्बे के, उन्होंने पाकिस्तान टीम को थ्रेट दी कि ये नहीं आएंगे, लेकिन हमने हर चीज़ को साइड पे करके, उस वक्त जो भी गवर्नमेंट के थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और पाकिस्तान टीम आई, तो हमें थ्रेट्स की वजह से अपनी रिलेशनशिप नहीं खराब कर, थ्रेट्स तो आते रहेंगे, उनको हम मौका दे। बात है शायद भाई, बस भाई इसलिए ये बात पूछी क्योंकि जो आप एशिया कप तो इंडिया में भी अरसे से नहीं हुआ है, काफी वक्त हो गया इंडिया और पाकिस्तान, तो एशिया कप इंडिया में कराओ, हम आ जाएंगे, मैं भी आऊंगा, मैं खेल नहीं रहा लेकिन वैसे ही देखने आ जाऊंगा। अच्छा शायद भाई, आपने बांग्लादेश करा था और हमने भी बात करी, तो पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा बुरा मना लेते हैं, कुछ प्लेयर्स भी हैं जो डिफेंड ज़्यादा करते हैं। T20 फॉर्म, नो डाउट एक्सेप्शनल प्लेयर, नो डाउट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट यू नो रैंकिंग्स में बहुत ऊपर हैं, बट अल्टीमेटली जब डिलीवर करने की बात आती है, आपने अपने मुल्क को ट्रॉफी जितानी है, तो बार बार ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का मसला पावर प्ले में जो है वो बार बार आ रहा है, तो उस हवाले से क्या बोलेंगे कि T20, क्योंकि आपके पास और प्लेयर हैं, फ़खर ज़मान, आज़म खानी, आप बड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आज तक कभी भी बाबर, क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह है, मेरा जूनियर है मेरा, आज तक कभी क्रिटिसिज्म किया ही नहीं है बाबर पे। हाँ, जो सही बात है वो मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम माशाल्लाह से वैसे ही नंबर वन बैट्समैन है, लेकिन T20 के अंदर आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ता है। बाबर आजम अपनी बैटिंग, अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए वो टाइम लेता है, उसके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 135-140 प्लस, पावर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, आपको आपने फ़ायदा उठाना होता है, तो हमेशा उस पर बात की है। जैसे अगर मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, हमेशा से उसको बड़ा मैं हाई रेट करता हूँ, बड़ा पॉजिटिव खेलता है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त भी आया लेकिन उसने, बड़ा प्लेयर था जिसकी वजह से उसने अपने आप को उसमें से निकाला है।
तो स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट के अंदर आपको स्टार्ट लेना होता है। लेकिन हमारे पास अब PSL से ऐसे नज़र आ रहे हैं लड़के कि जो ऊपर के नंबरों पे बाबर के साथ मिलके इनिंग को बिल्ड एज अ गुड पार्टनरशिप कर सकते हैं। LLC की बात करते हैं कि अभी LLC का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने भारतीय झंडे पर साइन किया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि धोखे से हो गया या आपको पता नहीं था? नहीं, तो इंडियन फ्लैग्स रिस्पेक्ट है, इंडिया की रिस्पेक्ट है और हम खुद भी रिस्पेक्ट करते हैं कोई भी फ्लैग हो। मेरा मतलब है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी हुआ था, मैंने ही फ्लैग ठीक कराया था इंडिया का। वो रिस्पेक्ट है कि कौम की इज्जत है। तो कल मुझे कुछ छोटे बच्चे, इंडियंस बच्चे थे, वो फ्लैग लेके घूम रहे थे और आवाज़ें दे रहे थे, फिर मैंने उनको बुलाया और साइन किया। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बातें से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। शायद भाई जो जैसा BCCI का रवैया रहा, आपको वो ज़्यादा दुख लगा है कि बिना डायलॉग किए हुए डिसाइड करें कि मिशन? बस वो असल प्रॉब्लम यही है कि हम आपस में बैठते नहीं हैं, कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट। जैसे हम लोग अभी टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं तो पॉलिटिशियन भी टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए, पॉलिटिशियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। सो गाइस बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि व्हाट आई फील इज कि एनिमोसिटी अपनी जगह है, बट क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। एंड इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान जाना चाहिए, वहाँ पे मैचेस होने चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडिया आना चाहिए, यहाँ पे वर्ल्ड कप होना चाहिए, तो बहुत मज़ा आएगा। यू नो जैसे हम जैसे लोग भी देख पाएंगे मैचेस अच्छे, लाइव देख पाएंगे, which will be a great opportunity. बहुत मज़ा आएगा थिएटर बोल रही हूँ स्टेडियम में बैठ के मैच देखने का, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच, इतना क्रेज़ होता है उस मैच का। एंड होपफुली इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो लेट्स होप दैट पाकिस्तान कम्स एंड हम वो मैच देखें, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत रेज होगा उस मैच का भी। सो गाइज ये बहुत अच्छी वीडियो थी। आई थिंक शाहिद अफरीदी इज स्ट्राइविंग टू यू नो spread peace and harmony amongst India and Pakistan. तो बहुत अच्छा ये एक वेंचर है उनका भी। सो गाइस दिस इज माई रिएक्शन, आई रियली होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू डिड दिस वीडियो को लाइक कर दो, लीव डाउन अ लवली कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस। सो गाइस दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ, वी लव यू गाइस।